पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, जाति आधारित जनगणना कराने, वैश्यों की हो रही उपेक्षा एवं हत्या के खिलाफ झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने आज 4 अगस्त को विधानसभा के समक्ष वादा खिलाफी महाधरना का आयोजन किया। महाधरना के पश्चात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं महामहिम राज्यपाल को मांगों से संबंधित स्मारक पत्र दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू एवं संचालन प्रधान महासचिव वीरेंद्र कुमार व प्रधान महासचिव इंदुभूषण गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। महाधरना को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि राज्य सरकार वैश्यों के साथ उपेक्षा की नीति अपना रही है, यह वैश्य समाज के साथ घोर अन्याय है। वक्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। 9 अगस्त को रामगढ़ में होने वाले वैश्य क्रांति सम्मेलन में आगे की रणनीति और आंदोलन की घोषणा की जाएगी। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा द्वारा हम लोग अपने लंबित मांगों को लेकर यह वादा खिलाफी महाधरना कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। चूंकि चालू विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद था कि वो पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी और लगातार जो वैश्य समाज के ऊपर हो रहे शोषण दमन उत्पीड़न रंगदारी हत्या पर रोक लगेगी, लेकिन यह सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने किए गए वादे से मुकर गई है। इसीलिए आज हम लोग वादा खिलाफी महाधरना के माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आज हमारी बात को अगर आप अनसुनी करेंगे तो झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले पूरे राज्य के वैश्य समाज के लोग जोरदार आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जोरदार आंदोलन आगे आने वाले दिनों में करेंगे, यही आज हम लोगों का महाधरना का हम लोगों का मुद्दा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।